महापर्व छठ को लेकर रांची के तालाब और नदियों में साफ सफाई जोरों पर है। रांची के सभी घाटों पर लोग साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। रांची के स्वर्ण रेखा नदी में स्टेन रोज क्लब की तरफ से पिछले 50 सालों से लगातार छठ महापर्व का आयोजन किया जाता रहा है। इस नदी की अलग ही विशेषता है। नदी में घाट में बाहर की लाइटें और विशेष तौर पर फल फूलों की सजा की जाएगी। इस दौरान नदी के तट पर भगवान भास्कर की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। हमारे सहयोगी सूरज ने स्वर्ण रेखा तट का जायजा लिया। छठ महापर्व को लेकर घाटों की तैयारियां जोरों से चल रही है। इस वक्त हम खड़े हैं रांची के स्वर्णरेखा नदी के तट के ठीक बगल में। यह स्टेन रोज क्लब के द्वारा सार्वजनिक घाट का निर्माण हर साल किया जाता है, लेकिन इस घाट की अगर हम कहें उदासीनता की अगर हम बात करें तो इस घाट में अक्सर पानी की कमी देखी जाती है और पानी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ब्लॉकेट की व्यवस्था की जाती है ताकि यहाँ पर पानी ब्लॉक हो जाए और खासकर छठ के दिन पानी खासकर इस नदी में भरा रहे ताकि छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं किस तरह से घाटों की सफाई की जा रही है पाइप के द्वारा और जितनी भी गंदगी है इस घाट से हटाए जा रहे हैं और इस घाट में तकरीबन 50 साल से लगातार यहां पर पूजा की जा रही है और सिर्फ रांची के नहीं बल्कि दूर दूर से भी लोग ये स्वर्णरेखा नदी में आते हैं और यहां की एक मान्यता अलग ही है। यहां पे कुछ मेंबर्स हम उनसे बात करते हैं, कितने सालों से यहां पे पूजा की जा रही है? पिछले 50 साल से लगातार स्टेन रोज क्लब छठवर्तियों का यहां पर सेवा करते आ रहा है। हम लोग से पहले हम लोग के सीनियर लोग करते थे और इस बार चूँकि 2 साल कोरोना का महामारी बहुत बुरा दौर से गुजरा इंसानियत और इस बार स्टेन रोज क्लब ने बैठक में तय किया था कि विशेष तैयारियों के साथ छठ व्रत को इस वर्ष घटाया जाएगा। हम लोगों फूलों की संख्या दुगुनी कर दी है प्रत्येक वर्ष की तरह। प्रत्येक वर्ष जो हम फूल लगाते थे उसका जस्ट डबल कर दिया इस बार। घाटों की सफाई के साथ साथ इस वक्त हम लोग सीमेंट और बालू मंगा कर इसका मरम्मतीकरण भी कर रहे हैं। पानी में गंदगी देखी जा रही है, केमिकल्स के जो पानी से तमाम ये चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है, तो उसको रिफाइनिंग के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए पानी में जितना भी गंदगी दिख रहा है स्टेन रोज क्लब के सदस्य अभी सभी लोग कल हम लोग नदी में उतरेंगे और जितना भी गंदगी तैरता नजर आ रहा है इसको साफ करेंगे हम लोग और बाद में इसको केमिकल डालेंगे हम लोग। पानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल बिल्कुल साफ है, किसी तरह का गंध भी पानी में नहीं है। हम लोगों ने खुद टेस्ट किया ताकि छठवर्तियों को कोई दिक्कत नहीं हो। बहते हुए पानी का एक अलग ही महत्व होता है और राजधानी रांची में सिर्फ एकमात्र यही एक नदी है स्वर्णरेखा नदी जो खरकई नदी जमशेदपुर से भी होकर ये गुजरती है और इस नदी का एक अलग ही महत्व है और बहते हुए पानी में कहीं ना कहीं अर्घ देने का एक अलग ही परंपरा है और एक अलग ही महत्व है और इसे लेकर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के तरफ से साफ सफाई की जा रही है और ख़ासकर विद्युत सजा हो इस बार इस घाट में फूलों के आकर्षक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ के जो फूले हैं वो बाहर से मंगाई जाती है और ऐसे कई खास चीज़ें इस घाट में आपको देखने को मिलेंगे। अपने सहयोगी सुशील के साथ सूरज, न्यूज स्टेट रांची। छठ को लेकर रांची के बाजार में रौनक देखने को मिल रही है, वहीं महंगाई का असर भी दिख रहा है। त्योहार आते ही सबसे पहले सब्जी के दामों में इसका असर देखने को मिलता है। जो सब्जियां अमूमन 20 रुपए किलो बिक रही थी वो अब 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने रांची के सबसे बड़े सब्जी मंडी डेली मार्केट का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की।